क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स LLP से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। क्रिप्टो मार्केट बाकी मार्केट से एकदम अलग है। इसमें जो अलग चीजें हैं उनमें से खास है ऑन चेन मैट्रिक्स। हम अक्सर सुनते हैं कि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके इस डिसेंट्रलाइज्ड स्वभाव का मार्केट पर भी असर पड़ता है, जिसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका बिगिनर्स के लिए डिजाइन किए गए क्रिप्टो ट्रेडिंग सीरीज में, जहां पर हम आपको क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत से लेकर एडवांस ट्रेडिंग तक जानकारी देंगे। क्रिप्टो में अगर आप अच्छे से ऑन चेन एनालिसिस कर सकते हैं तो हो सकता है कि आप ऐसे इनसाइट्स पता करेंगे जो आपको रातों रात बाकी इन्वेस्टर्स से आगे पहुंचा देंगे। समझिए, किसी डिजिटल वॉलेट पर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं और उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर आपको कैशबैक या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पर ये सारी इन्फॉर्मेशन कि आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए, उन पर आपको कितना कैशबैक मिला, ये सारी जानकारी उस वॉलेट कंपनी के पास ही रहती है। आप क्रिप्टो खरीदते हैं, सेंड करते हैं या उस क्रिप्टो का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ये सारी जानकारी, जैसे कि आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, कब किए, ये सब उस क्रिप्टो की ब्लॉकचेन पर अवेलेबल होती है। अब इसके आधार पर आपको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं। इससे डिमांड, सप्लाई और इन्वेस्टर्स में स्थिरता कितनी है, इसका अच्छे से अंदाजा आ सकता है। ब्लॉकचेन पर डेटा देख के आप काफी सारी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन के मामले में कितने लोग हैं जो 0.1 से कम बिटकॉइन होल्ड करते हैं, कितने लोग हैं जो 0.1 से 1 बिटकॉइन होल्ड करते हैं और कितने लोग हैं जो 1 से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करते हैं। कई सारे नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की ज्यादातर सप्लाई बस कुछ ही लोग होल्ड करते हैं, ये एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। इस तरह के एनालिसिस को ऑन चेन एनालिसिस कहते हैं। इससे आप काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जिसे आप अपनी ट्रेडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते समय ऑन चेन एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होती है। चलिए कुछ टूल्स के बारे में जानते हैं जो आपको ऑन चेन एनालिसिस में मदद करते हैं। तो सबसे पहला है ब्लॉक एक्सप्लोरर्स। हर कोई अपने कंप्यूटर पर ब्लॉकचेन नोड रन करके स्टडी कर सकता है, पर ईथरस्कैन, blockchain.com जैसी वेबसाइट्स आपके लिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल बना देती है। स्टैटिस्टिकली बिटकॉइन के ऑन चेन मैट्रिक्स को समझने के लिए ग्लास नोड भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं ऑन चेन ट्रेंड्स की, जैसे कि बिटकॉइन हाफिंग। बिटकॉइन के इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जो है बिटकॉइन हाविंग। हाफ यानी कि आधा होना। बिटकॉइन की सप्लाई हमें पता है कि 21 मिलियन पर सीमित है, लिमिटेड है। लेकिन क्या सारे के सारे 21 मिलियन कॉइन इश्यू हो चुके हैं? एब्सोल्युटली नॉट। जनवरी 2023 में टोटल इश्यूड बिटकॉइंस की संख्या 19 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है और नए कॉइन्स बहुत ही स्लो रेट पर इश्यू हो रहे हैं। जब बिटकॉइन नया था तो हर ब्लॉक के लिए 50 नए बिटकॉइन इशू होते थे, यानी हर 10 मिनटों में 50 बिटकॉइन प्रोड्यूस हुए थे। लेकिन अब यह संख्या सिर्फ 6.25 बिटकॉइन ही है। यह संख्या हर 4 साल में और भी आधी हो जाती है। अब नेक्स्ट हाविंग जब भी होगा उसके बाद सिर्फ 3.125 ही रह जाएंगे। ऐसे हर 4 साल बाद नए बिटकॉइंस की सप्लाई आधी हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि जब भी बिटकॉइन की सप्लाई आधी होती है तो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है और प्राइस जनरली ऊपर चले जाता है, जिससे लगभग पूरा क्रिप्टो मार्केट अफेक्ट होता है और इसकी वजह से हर 4 साल बाद क्रिप्टो मार्केट में सडन प्राइस बर्स्ट आता है और फिर ओवर वैल्यू होने के बाद मार्केट गिरता है, करेक्शन आता है। बिटकॉइन की हैविंग साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो लोग फॉलो करते हैं, इसलिए आपकी भी इस पर नजर होनी चाहिए। बाय द वे, द नेक्स्ट हैविंग साइकिल इज इन मार्च 2024, मेक अ नोट। स्टेबल कॉइन होल्डिंग्स भी एक अच्छा मेट्रिक है मार्केट मोमेंटम का अंदाजा लेने का। अगर USDT या USDC जैसे स्टेबल कॉइन्स की होल्डिंग मार्केट में बढ़ रही है और बाकी क्रिप्टोस की होल्डिंग कम हो रही है तो उसका जनरली मतलब होता है कि मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश होता जा रहा है।
लोगों को शायद लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना पैसा निकाल कर USDT या USDC जैसे स्टेबल कॉइन्स में रख रहे हैं। डिजायर्ड लेवल्स पर मार्केट आने के बाद वो वापस इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। अगर छोटे अमाउंट वाले वॉलेट्स का नंबर, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो समझो एक साल में 1,00,000 लोगों के पास 1 से कम बिटकॉइन थे और आज वो फिगर 1,25,000 हो गई है। ये इमेजिनरी फिगर्स हैं, बट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो इससे कंक्लूड किया जा सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में ज्यादा एंट्री कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बेहतरीन अच्छा पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। तो इस प्रकार आप ऑन चेन मेट्रिक्स को अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन रिस्क तो अभी भी बना हुआ है ना। तो चलिए अगले वीडियो में आपको बताता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग ट्रेडिंग कंटेंट। क्रिप्टो और NFT अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो। किसी भी सूचना के लिए BitCipher Labs LLP से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।